और हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इनका जो बुनियादी हक है वो इनको देना चाहिए, नहीं तो हुकूमत के जो ये चलाने वाले हैं वही अगर बैठ गए तो हुकूमत कैसे चल सकती है। इसे मैं अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इसकी तरफ देखें और उनकी मुश्किलें जो हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। अच्छा, मुझे अफसोस इस बात का है कि दुनिया में तो इन्हें प्रचार किया हुआ है कि उनको छोड़ दिया गया है। एक रिलीजियस लीडर है, वो भी अगर नमाज पढ़ाते तो क्या कहेंगे? इस्लाम के बारे में ही कहेंगे ना कि अल्लाह ने क्या अच्छी बातें कही हैं। कि हम लोग जो आज देखिए हमारे बच्चे दवाइयों पर लगे हुए हैं, जो जहरीली दवाइयाँ हैं जो हमारे माशरे को ख़त्म कर रही हैं, इसके बारे में बोलते शराब के बारे में बोलते, शराब की दुकानें खोल रही हैं जिससे हमारे लोग ख़राब हो जाएंगे। यहाँ की हालत के बारे में लोगों से कहते हैं कि भाई ठीक रहो, अच्छी तरह से कोशिश करो अपने काम को करने की। ये रिलीजियस का काम है, उनका काम है कि कौम को सही रास्ते पे दिखाएं, मगर उससे इनको बंद कर रखा है। मैं जो अफसोस इस बात का है, मैं तो फिर भी अपील करूँगा होम मिनिस्टर साहब से कि जब वो कह रहे हैं कि वो आज़ाद हैं तो उनको आज़ाद होने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए।